अल्पसंख्यक आयोग ने मध्य प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा बुधवार को राजनांदगांव पहुंचे, जहां उनके द्वारा 10वीं और 12वीं के अल्पसंख्यक मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। वहीं बच्चों को सम्मानित करने के बाद महेंद्र छाबड़ा ने बताया कि प्रतिभावान अल्पसंख्यक बच्चों को पुरस्कृत करने से बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और आगे जाकर वो देश और प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम पूरे प्रदेश में किया जाता है, जिससे हर प्रतिभावान बच्चों को प्रेरणा मिले और वह प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। राजनांदगांव से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रतिवर्ष बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग उनका सम्मान समारोह आयोजित करते हैं। आज शिक्षा के इस सम्मेलन में भी यहाँ पर राजनांदगांव जिले के सभी स्कूलों के जो प्रतिभावान बच्चे हैं अल्पसंख्यक वर्ग के, उन लोगों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में उन लोगों का कैसे भविष्य बन सके, उसके लिए करियर काउंसलिंग करने के लिए हमारे साथ देवलाल साहू जी भी आए थे। उन्होंने बच्चों को विस्तार से इस बात की जानकारी दी कि आपका भविष्य किस तरीके से उज्ज्वल हो सकता है, किस तरीके से आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, उसके संबंध में भी उनको जानकारी दी। ये इस पूरे शिक्षा के सम्मेलन में विशेष तौर पर अल्पसंख्यक आयोग इसी तरह के आयोजन प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित करता है। आज राजनांदगांव जिले में हम लोग पहुँचकर यहाँ के बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया है।